हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द मेन एंटागोनिस्ट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाइलोक। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। तो क्वेश्चन नंबर टू, वॉट इज द पाउंड ऑफ फ्लैश बोर्न इन द प्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ लोन एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ लीगल एक्सपर्ट इन द कोर्ट रूम सीन। कोर्ट रूम सीन में कौन डिस्गाइज करती है एक लॉयल की तरह खुद को? आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पोर्सिया। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटोनियो सिप दैट इज बिलीव्ड टू बी लॉस्ट एट सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द एर्गोजी। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच कैरेक्टर चूजेस द लीड कैस्केट एंड विंस पोर्सियास हैंड इन मैरिज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बसानियो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज शाइलोक्स डॉटर इन द प्ले। इस प्ले में शाइलोक के डॉटर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेसिका। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द फेमस कोट बाय शाइलोक रिगार्डिंग द कॉमन ह्यूमैनिटी बिटवीन ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ डज पोर्सिया सेव एंटोनियो इन द कोर्ट रूम सीन। पोर्सिया एंटोनियो को किस तरह से उस ट्रायल से बचाती है, उस कोर्ट रूम के सीन से बचाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बाय फाइंडिंग अ लूप होल इन द बोंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच कैरेक्टर इज इन लव विद बसानियो। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्सिया। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग्स इन द प्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दे आर अ सिंबल ऑफ लव एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, हु अल्टीमेटली गेट्स पजेशन ऑफ साइलोक्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेसिका। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ट्रायल रूम में एंटोनियो तो जीत जाता है, तो शाइलोक को पनिशमेंट दिया जाता है कि उसका जो वेल्थ है वो आधी तो जब्त कर ली जाएगी सरकार के द्वारा और आधी एंटोनियो को दे दी जाएगी। बट एंटोनियो काफ़ी अच्छा आदमी होता है, वो चाहता है, वहाँ पर कहता है जज साहब से कि आप मुझे जो दे रहे हैं शाइलोक की प्रॉपर्टी, हाफ प्रॉपर्टी, वो आप मुझे ना दे करके जेसिका को, जो उसकी खुद की बेटी है, उसे दे दीजिए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी बेटी जेसिका, क्योंकि जेसिका के पास ही उसकी प्रॉपर्टी जाती है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, हु इज़ द प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो जैसा कि मैंने समरी वाले वीडियो में बताया था कि पोर्सिया से शादी करने के लिए उसके अगल बगल के किंगडम से बहुत सारे प्रिंस आए हुए रहते हैं, जिनमें से एक था प्रिंस ऑफ मोरक्को। तो यहाँ पर हम लोग देखें इसका सही जवाब, तो उसका आंसर हो जाएगा अ सूटर फॉर पोर्सिया, क्योंकि वो भी पोर्सिया से शादी करने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, विच कैरेक्टर लेंड्स मनी विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मनी लेंडिंग का काम तो शाइलोक कर रहा था, और शाइलोक एंटोनियो को पैसा देता है बिना इंटरेस्ट के, बट उसका एक शर्त होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि अगर वो एक लिमिट टाइम तक वो पैसे लौटाने में असमर्थ रहता है, फेल हो जाता है, तो शाइलोक एंटोनियो के बॉडी का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा, और इसी के लिए वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाता इस पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाइलोक।
नंबर 14, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द कोर्ट रूम सीन? तो कोर्ट रूम सीन का लोकेशन क्या था, किस जगह पर वहाँ पे ट्रायल चल रही थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनिस। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज पोर्सिया डिस्गाइज हरसेल्फ व्हेन सी गोज टू कोर्ट? पोर्सिया खुद को किस तरह से डिस्गाइज कर लेती है जब वो कोर्ट में जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एज अ लॉयर, एज अ मेल लॉयर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज शाइलोक डिमांड इन द बॉन्ड विद एंटोनियो? बॉन्ड के रूप में शाइलोक एंटोनियो से क्या डिमांड करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अ पाउंड ऑफ फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ शाइलोक सर्वेंट? शाइलोक के सर्वेंट का नाम क्या है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन्सिलेट गोबो। क्वेश्चन नंबर 18, विच कैरेक्टर रन्स अवे विथ लोरेंजो एंड कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी? कौन सा कैरेक्टर लोरेंजो के साथ भाग जाती है और बाद में वो क्रिश्चियनिटी अपनाती है? तो हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जेसिका, जो कि शाइलोक की बेटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर द अनसक्सेसफुल सूटर्स इन द चूजिंग द रोंग कैस्केट? तो वहाँ पर आपने देखा कि पोर्सिया से शादी करने के लिए जगह जगह से प्रिंस आए हुए रहते हैं और उन लोगों को एक रिडल दी जाती है सॉल्व करने के लिए कैस्केट के साथ में। एक कैस्केट होती है गोल्ड की, दूसरी सिल्वर की और तीसरी होती है लीड की। तो वहाँ पर तीन कैस्केट रखे जाते हैं, तो शादी तो कोई एक ही करेगा पोर्सिया से, बट जो लोग रोंग कैस्केट को चूज करेंगे उन लोगों के लिए क्या सजा रखा जाता है वहाँ पे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेर एन ओथ टू रीमेन अ बैचलर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर डेज। मतलब कि अगर वो पोर्सिया से शादी करने में असफल रहे, उस रॉन्ग कैस्केट को अगर वो चूज किए कोई भी प्रिंस, तो उसे एक ओथ लेना पड़ेगा कि वो आगे कभी भी शादी नहीं करेंगे, उसे कुमारा रहने का ही ओथ लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग्स गिवन बाय पोर्सिया एंड नेरिसा टू देयर हस्बैंड्स? आई थिंक दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन एंड आई अपोलोजाई फॉर दैट, एंड द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, दे आर टोकन्स ऑफ लव। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।